मित्रों, मैं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत। आरजे न्यूज भारत के लिए मैं अनुज सक्सेना इस समय उगनपुर कचौली गांव में है। यहां से शकुंतला जी चुनाव जीती है। शकुंतला जी के चुनाव जिताने में उनके पति श्री छत्रपाल जी का विशेष योगदान रहा है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गांव के श्री छत्रपाल जी, जो शकुंतला जी के पति भी हैं। हम छत्रपाल जी से जानना चाहेंगे कि वो अपने गांव के लिए क्या विकास कार्य करेंगे। छत्रपाल जी, आप गांव के लिए क्या विकास कार्य करेंगे? गांव के लिए जितनी योजनाएं आएंगी सरकारी तरफ से, वो हम सब योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। जैसे शिक्षा, बिजली है, और मतलब जितनी जो योजनाएं आती रहेंगी, मैं अपने गांव के लिए सारी योजनाओं का लाभ मैं दिलवाऊंगा। सर, आपके गांव में बहुत सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और ख़राब हैं, अगर सरकारी तरफ से अगर होगा तो ये सड़कें सब ठीक कराऊंगा। और आपके गांव में काफ़ी गंदगी रहती है, सड़क पे बहुत टूटी ख़राब है। गंदगी मेरे गांव का सफाई कर्मी नहीं है इस समय, और मैं अपने गांव के विकास के लिए या सफाई के लिए मैं अपने सफाई कर्मी के मैं वीडियो साहब से मैं बात करूंगा, और बात करके मैं अपने सफाई कर्मी को अपने गांव में लगभग जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा मेरे गाँव की साफ सफाई हो। आप अपनी जीत का आधार किसको मानते हैं, किस तरह से आप जीते हैं चुनाव? मैं जीत के आधार वैसे तो मेरे अन्य अरविंद, अशोक और मेरे गांव के बहुत लोग हैं जो मेरी पार्टी में मेरे साथ मौजूद रहे। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और मुझे जिताया। प्लस कचौली से भी मेरे साथ राकेश और मेरे एक रामकृष्ण नाम का लड़का है, वो भी मेरे साथ बहुत बीच में रहा, और उन्होंने मुझे भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग किया। और उन सभी लोगों के सहयोग से मैं जो है प्रधान बना। ये थे शकुंतला जी के पति छत्रपाल जी, जो 145 वोटों से उगनपुर कचौली गांव से चुनाव जीते हैं। और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अपने गांव वासियों को, जनता को सह दिया अपनी जीत का, और अपने खास मित्रों का सहयोग बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वह गांव का विकास कार्य करेंगे, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो भी सुविधाएं गांव के लिए जो योजनाएं आएंगी उन सभी को वो अपने गांव में लागू करेंगे। इसके अलावा सर, और कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे गांव के बहुत से ज़्यादा लोगों ने मेरा सहयोग किया है। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के साथ बीच रहूँगा, और जो भी योजनाएं आएंगी मैं लगातार उनका काम कराऊंगा। ये थे छत्रपाल जी, सरल स्वभाव के। उन्होंने बहुत आराम से, बहुत संजीदगी से अपनी बात को रखा और ये बताया कि वो गांव के विकास के लिए जो भी संभव होगा वो सारा कार्य करेंगे। आरजे न्यूज़ भारत के लिए मैं अनुज सक्सेना।